नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच IPL का ये 5th मैच खेले जाने वाला है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। बता दूं दोस्तों कि इस मैच में आपको क्रेडिट का थोड़ा बहुत इशू होगा, इसी कारण आपको जो है प्लेयर सेलेक्ट करने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच जो होगा वो रिस्की होगा 50%, और कुछ ऐसे भी प्लेयर होंगे जिन्हें हमें ट्राई तो करना है लेकिन उनका क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऐसे में हमें उनको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 2 और 3 मेंबर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 4 मेंबर्स के लिए मैच उतना अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ मेगा लीग का वीडियो जल्दी आएगा, तो मेगा लीग की वीडियो में हम मेगा लीग की 6 टीम बनाएंगे, तो आपको मेगा लीग ग्रैंड लीग या फिर मिनी ग्रैंड लीग पर भी इस मैच में फोकस करना होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, ओपनिंग बैट्समैन कैसे हो सकते हैं, ओपनिंग बॉलर क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे बॉलर होंगे जो इस मैच में 4 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है बेहतरीन टीम बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लिंक पे क्लिक करके सीधा ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ बता दूँ कि यहाँ पे बैट बॉल 11 पे 25,000 रुपये का फ्री गिव आपके रखा है, तो आप इजिली यहाँ पे पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। दोस्तों, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, अब सबसे पहले चलते हैं और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर देते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो ये 9 पॉइंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या फिर आप ग्रैंड लीग की टीम या फिर मिनी ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो या फिर मेगा लीग की भी टीम बना रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक पर ही आपको मेगा लीग की भी 6 टीम्स मिल जाएगी, स्मॉल लीग की भी टीम मिल जाएगी। वेन्यू की दोस्तों बात अगर करेंगे तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है पुणे का। टाइमिंग की बात करेंगे, शाम को 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की अगर बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो देखिए MCA के जो पिच है वो एक तरह से बैटिंग पिच मानी जाती है। मैं लास्ट को यहाँ पे 5 मैचेस का आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि इस पिच पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है या फिर बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो बॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बैट पे आता है, उसकी वजह से बैट्समैन को ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है बड़े शॉट खेलने में। पेसर्स की अगर बात करेंगे तो पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलती है स्पिनर्स के मुकाबले, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे ड्यू फैक्टर की, तो देखिए सेकंड इनिंग में यहाँ पे ड्यू ज़रूर पड़ेगा इस मैच में। ऐसे में जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेंगी वो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी ताकि सेकंड इनिंग में बैटिंग ईजी की जाए, मतलब ईजी हो जाए। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे 159 का एवरेज स्कोर है, लेकिन मुझे लगता है 170 तक का इस मैच में स्कोर बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, लास्ट के रिसेंटली 5 मैचेस की बात करेंगे तो इस पिच पे जो मैचेस खेले गए हैं 20 अप्रैल 2018 से 20 मई 2018 जो कि डोमेस्टिक मैचेस थे, IPL के मैचेस खेले गए थे, और इस पिच पे जो मैचेस खेले गए तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखना होगा कि लास्ट के कुछ 5 मैचेस में कितना स्कोर बना था। देखिए, अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे 2018 में जो है वो मैचेस खेले गए थे, 19, 20, 21 में मैचेस नहीं खेले, तो मतलब 3 साल का यहाँ पे गैप है और 3 साल में पिच जो होगी कुछ ना कुछ फ्रेश विकेट होगा। अब जैसे ही यहाँ पे टॉस के बाद आपको फ्रेश पिच पता चलती है, उसमें अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिल रहा है तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को उसको टीम में लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से बैट्समैन को तो सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ पेसर्स को भी सपोर्ट मिलेगा। देखिए, फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे 204 फर्स्ट इनिंग का स्कोर है, उसके बाद 169, यहाँ पे फिर 211, उसके बाद थोड़ा लो स्कोर हुआ, उसके बाद फिर से थोड़ा हाई स्कोर हुआ, फिर यहाँ पे लो स्कोर हुआ। अब ये तो स्कोर हमने देख लिया, अभी विकेट देखना होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में, यहाँ पे भी 5 विकेट, फिर यहाँ पे 4 विकेट गए, यहाँ पे पूरे 9 विकेट गए, यहाँ पे फिर 4 विकेट गए, तो फिर यहाँ पे देखेंगे पूरे 9 विकेट। अब आप इस अंदाजे से हम ये भी कह सकते हैं कि पिच बैलेंस पिच है, जहाँ पे विकेट भी जा रहे हैं साथ ही साथ बैट्समैन को भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसे नहीं लगता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बैट्समैन को जो सपोर्ट मिलेगा वो 60% to 70% बैट्समैन को ही सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 40% to 30% बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली पेसर को सपोर्ट मिल सकता है। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 15 में से सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 मैच जीते, राजस्थान रॉयल्स ने 7 मैच जीते, दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। ओवरऑल मैचेस की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 38 में से बैटिंग फर्स्ट टीम ने 18, बैटिंग सेकंड टीम ने 20 मैच जीते, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि कौन सी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है फिर बॉलिंग करती है। लेकिन टॉस जीतने के बाद टीम के मन में यही होगा, जो भी कैप्टन होगा उसके मन में यही होगा कि पहले बॉलिंग की जाए। देखिए, लास्ट के जो 5 मैचेस खेले गए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 जो विकेट मिले हैं वो पेसर्स को मिले हैं और 21 जो विकेट मिले हैं वो यहाँ पे स्पिनर्स को मिले, और पेसर्स जो है वो थोड़े ज़्यादा ही विकेट निकालते हैं इस पिच में,
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डोमेस्टिक की अगर बात करेंगे देखेंगे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग का है 211 का, लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे 73, तो मतलब यहाँ पे 200 का भी स्कोर बन सकता है और कोई टीम यहाँ पे जो है वो 70 रन या फिर 100 रन के अंदर भी ऑल आउट हो सकती है अगर बैटिंग लाइनअप अच्छा नहीं होता है तो। टीम न्यूज़ की दोस्तों अगर बात करेंगे तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अभी फिलहाल के लिए कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। जो भी दोनों ही टीमों ने अपने 11 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है जो कि प्रॉबेबल प्लेइंग 11 है वो प्लेयर खेलने वाले, हो सकता है कोई एक आध प्लेयर ना खेले, जैसे कि मान लीजिए कि सीन अबाउट इस मैच में ना खेले, या फिर हो सकता है कि शेमलन हेटमायर की अगर बात करेंगे तो शायद उन पर थोड़ा बहुत डाउट है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रॉबेबल प्लेइंग 11 अपना अनाउंस किया है। बैट्समैन वर्सेस बॉलर की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सनराइजर्स हैदराबाद, इनके पास पेसर्स कौन है, उमरान मलिक है, उसके बाद टी नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, मार्को जैनसन है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे आइडन मार्करम जो कि स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से ये चार जो है इनके पास पेसर है। अगर यहाँ पे रोमन शेफर्ड खेलेंगे तो ये भी पेसर हो गए। स्पिनर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन उतना ओवर इनसे नहीं कराया जाएगा। एंडन मार्करम और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों इनके पास स्पिनर है। टोटल देखा जाए तो 6 इनके पास बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। राजस्थान रॉयल की अगर बात करेंगे तो इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, नथन कुलटर नायर अगर खेलेंगे तो ये भी पेसर हो गए, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पिनर ही है, पेसर नहीं है। आप देख सकते हैं दो पेसर है इनके पास, ठीक है। उसके बाद स्पिनर की बात अगर करेंगे युजवेंद्र चहल है, रविचंद्रन अश्विन है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे जेमी निशम है, यहाँ पे देखेंगे रियान पराग है। चार स्पिनर और दो पेसर के साथ जो है वो राजस्थान रॉयल की टीम खेलने वाली है। कुलटर नायर अगर खेलेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए मेगा लीग के लिए। दोस्तों स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो वीडियो पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए, लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड है, जबकि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि उमरान मलिक जो कि आपको अगर इनको मेगा लीग में ट्राई कर दे तो इनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है लास्ट के 5 मैचेस में, स्क्रीनशॉट का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल का भी आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए। अब दोस्तों प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे तो आप सबसे पहले क्या कर देना है, आपको ऐप पे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टेड बाय पे क्लिक कर देते हैं। देखिए सबसे पहले सिलेक्टेड बाय पे क्लिक किया तो संजू सैमसन को 72% लोगों ने पिक किया है। क्यों पिक किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी देखूंगा। उसके बाद जॉर्ज बटलर है और यहाँ पे देखेंगे निकोलस पोरन है, इसके बाद ये दोनों ही प्लेयर इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको किसको लेना चाहिए, संजू सैमसन 4th नंबर पर आ सकते हैं मेरे हिसाब से और T20 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। जॉर्ज बटलर की अगर बात करेंगे तो लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड भी इनका अच्छा रहा है। उसके बाद निकोलस पोरन की बात करेंगे, अभी वेस्ट इंडीज़ के जो मैचेस हुए तो इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तीनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो गए। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिल सकता है। हाँ हालांकि अगर आप चाहे तो ओपनिंग जो बैट्समैन होगा कुछ जैसे जॉर्ज बटलर उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बॉलर्स को भी सपोर्ट मिले, लेकिन संजू सैमसन और निकोलस पोरन जो कि दोनों ही 4th नंबर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर और निकोलस पोरन इन तीनों ही प्लेयर को अपनी टीम में लेने वाले हैं जो कि मुझे लगता है कि बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में हमारे पास कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है ये भी देख लेते हैं। राहुल त्रिपाठी की बात करें दोस्तों जो कि ओपन करेंगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। केन विलियमसन है जो कि 3rd नंबर पे, पेडिकल की बात करेंगे इनको थर्ड नंबर पर भेजा जा सकता है। हेटमायर के चांसेस थोड़े कम है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कन्फर्म नहीं है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे ये भी ओपन कर सकते हैं। अब्दुल समद की बात करेंगे तो दोस्तों ये 6th नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको किस प्लेयर को ट्राई करना चाहिए किस प्लेयर को नहीं ट्राई करना चाहिए ये भी हमें देख लेना होगा। सिलेक्शन वाइज बात करेंगे तो केन विलियमसन का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसके बाद राहुल त्रिपाठी का भी हाई है। दोनों का सिलेक्शन की बात करेंगे तो ये दोनों का ही सिलेक्शन 70% के प्लस है। उसके बाद पार्टिकल की बात करेंगे, एक तरह से 1, 2 और ये 3 तीनों ही प्लेयर है जिसको हमें लेना चाहिए, लेकिन इस मैच में क्रेडिट का इशू होगा। अगर आपने इन तीनों ही प्लेयर को अपनी टीम में ले लिया तो आपके पास लास्ट में जो क्रेडिट बचेगा 8 क्रेडिट बचेगा, ऐसे में आपको किसी एक बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है। इसलिए हमें कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे केन विलियमसन इंपॉर्टेंट हो गए, देवदत्त पाडिकल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो देवदत्त पाडिकल का उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि इस मैच में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों को ही ट्राई करेंगे, यहाँ पे देवदत्त पाडिकल और केन विलियमसन। अब बात करेंगे राहुल त्रिपाठी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए क्रेडिट अगर मैनेज करना है तो आपको कोई ना कोई एक रिस्क जरूर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को जस्ट मिनट गाइस ओके दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम से जो है वो ड्रॉप करूंगा। रीज़न क्या है, ये ओपन करेंगे और हो सकता है बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन क्रेडिट भी मैनेज करना है। क्रेडिट मैनेज करने के साथ ही साथ हमें युजवेंद्र चहल को भी अपनी टीम में लेना है जो कि इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे में राहुल त्रिपाठी अगर आपकी टीम में हो गए तो युजवेंद्र चहल जैसे बड़े बॉलर को आप ड्रॉप कर सकते हो, मतलब आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा एक तरह से।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को मैं ड्रॉप करूंगा। अब यशस्वी जायसवाल पे रिस्क लेना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमें यहाँ पे क्रेडिट मैनेज करना है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि टीम जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आप राहुल त्रिपाठी को किस तरह से ट्राई कर सकते हैं ये भी मैं आपको टीम में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम यशस्वी जायसवाल को ट्राई करने वाले हैं टीम में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हेटमैन की बात अगर करेंगे तो ये इस मैच में खेल सकते हैं, अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेगा लीग के लिए। उसके बाद बात करेंगे अब्दुल सामद जो कि 6 नंबर पे आएंगे। आप थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो अब्दुल सामद को टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने केन विलियमसन को, पाडिकल को और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल इन 3 प्लेयर को लिया है। राहुल त्रिपाठी को किस तरह से ले सकते हैं ये भी मैं आपको टीम में बता दूंगा जब टीम दिखाऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मार्करम को पिक किया, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को, मिचेल नहीं खेलेंगे, जेमी निशम को, शेपर्ड अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा, फिलहाल के लिए इनको स्क्वाड में स्थान नहीं दिया गया है। उसके बाद देखा जाए रियान पराग है और यहाँ पे अभिषेक शर्मा है, यहाँ पे ये 2 प्लेयर नहीं खेलेंगे। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्करम को पिक करेंगे लेकिन अगर आपने मार्करम को पिक किया तो आपको क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। हमें बॉलिंग सेक्शन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है क्योंकि हमें 3 ही बॉलर को पिक करना है जो कि इंपॉर्टेंट हो गए और जो विकेट निकाल सकते हैं, ऐसे में हम उन 3 प्लेयर को ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर, जेमी निशम ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे आप वाशिंगटन सुंदर और जेमी निशम को पिक करते हो तो आपका क्रेडिट पूरी तरह से मैनेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्करन का भी क्रेडिट 9 है और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम इनको ड्रॉप करेंगे फिलहाल के लिए। टीम दिखाऊंगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, इनसे 2 ओवर कराए जा सकते हैं और शायद ओपन भी करेंगे ये। उसके बाद बात करेंगे रियान पराग की, तो ये 6 नंबर पे आएंगे और मुझे लगता है कि शायद इनको आपको ट्राई करना चाहिए मेगा लीग में, वाइस कैप्टन आप इनको जरूर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर, जेमी निशम ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार है, इनका क्रेडिट 9 है, इनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। टी नटराजन है, उमरान मलिक है, मार्को जॉनसन है, मुझे लगता है टी नटराजन विकेट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे टी नटराजन को अपनी टीम में ट्राई करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टी नटराजन का सिलेक्शन आप देख लीजिए, सिर्फ 20% सिलेक्शन लेकिन इनका 40% के ऊपर सिलेक्शन जाने वाला है जब यहाँ पे जो है मैच स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान रॉयल की, तो युजवेंद्र चहल है, ट्रेंट बोल्ट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए और आपको दोनों को ही ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको कहा भी है कि 3 बॉलर को आपको ट्राई करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे और विकेट निकालें, तो युजवेंद्र चहल ट्रेंट बोल्ट है। लेकिन अब रिस्क की बात करेंगे तो भुवनेश्वर कुमार है, रविचंद्रन अश्विन है, प्रसिद्ध कृष्णा है, इन 3 बड़े प्लेयर को हमने ड्रॉप किया है। और साथ ही बात करेंगे क्रेडिट, देखिए हमारे पास क्रेडिट कोई भी नहीं बचा है। अब मैं आपको ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स बता देता हूँ, उसके बाद टीम दिखा देता हूँ। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन ओपनिंग एंड डेथ में बॉलिंग करेंगे। भुवनेश्वर कुमार, मार्को जेंसन है, टी नटराजन, इनमें से कोई डेथ में बॉलिंग कर सकता है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। राजस्थान रॉयल की बात करेंगे, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, जेमी निशम है और ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। टीम दिखाने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे, ये 10 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गया। 11वें प्लेयर पर आपको रिस्क लेना होगा, वो यशस्वी जायसवाल हो सकता है या फिर यहाँ पे जो वाशिंगटन सुंदर या फिर कोई और भी प्लेयर हो सकता है। ग्रैंड लीग प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, मेगा लीग का वीडियो आएगा जल्दी ही, उसमें आपको प्लेयर बैटल बताया जाएगा ग्रैंड लीग के प्लेयर्स और कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए बताए जाएंगे। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए, जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पाडिकल, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन हम चुन लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड बाय पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जॉर्ज बटलर को सबसे ज़्यादा लोगों ने पिक किया लेकिन मैं संजू सैमसन के साथ जाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि संजू सैमसन अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन बात करेंगे वाइस कैप्टन की, यहाँ पे वाइस कैप्टन की बात अगर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं वाइस कैप्टन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने केन विलियमसन को पिक किया है। एज अ बैटिंग पिच बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि केन विलियमसन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो केन विलियमसन को मैं ट्राई करूंगा। अब दोस्तों ये मेरी टीम का प्रीव्यू होगा, अब यहाँ पे क्रेडिट मैनेज करना है ठीक है और आपको टीम भी अच्छी बनानी है। अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे चाहे तो निकोलस पुरन को ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है। जैसे आपने निकोलस पुरन को ड्रॉप किया आपकी क्रेडिट मैनेज हो गया तो आप यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हैं, तो आपकी टीम इस तरह से बनेगी। अगर आप चाहते हैं भुवनेश्वर कुमार को ट्राई नहीं करना और आप चाहते कि मार्करम को पिक करें तो आप मार्करम को भी पिक कर सकते हैं, तो आपकी टीम इस तरह से बनेगी। सिर्फ 1 प्लेयर की वजह से जो कि हो गया यहाँ पे निकोलस पुरन, निकोलस पुरन को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आप मार्करम को भी ट्राई कर सकते हैं। अब मार्करम की अगर बात करेंगे तो क्या ये हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, देखिए लास्ट के 5ों ही मैचेस में इन्होंने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की है, सिर्फ बैटिंग से पॉइंट दी है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्करम से अच्छे यहाँ पे निकोलस पुरन हो गए जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी टीम होने वाली है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, डेमो टीम है। फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 25,000 रुपये का फ्री गिव है तो यहाँ पे आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन उस पर क्लिक जरूर करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।